अगर आज मैं 100 लोगों से कहूं कि कल से रोज सुबह 7 बजे उठना है और वो 100 के 100 लोग मान भी जाएंगे, तो कल सुबह पता क्या होगा? 100 में से सिर्फ 80 लोग ही उठ पाएंगे। परसों क्या होगा? 80 में से सिर्फ 50 लोग ही उठ पाएंगे। और उससे अगले दिन क्या होगा? 50 में से सिर्फ 20 लोग ही उठ पाएंगे। चौथे दिन सिर्फ 10 लोग ही उठ पाएंगे और पांचवें दिन सिर्फ 5 लोग ही उठ पाएंगे। छठे दिन सिर्फ 2 लोग ही उठेंगे, लेकिन 100 में से जो आखिरी इंसान होगा, जो उस लिस्ट का 1% होगा, वो उस काम को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि वो अपना टारगेट फिक्स नहीं कर लेता। चाहे वो उसका टारगेट IAS बनना हो, या फिर इंजीनियर बनना हो, या फिर साइंटिस्ट बनना हो, या फिर आर्मी ज्वाइन करना हो, या फिर डॉक्टर बनना हो, कुछ भी उसने अपना टारगेट फिक्स किया होगा, वो तब तक अपना टारगेट पूरा नहीं कर लेता तब तक अपना मेहनत जो वो करता रहेगा। वह इंसान उस हार मानने वाले लिस्ट में हमेशा लास्ट में रहता है, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि जिसको दुनिया सबसे लास्ट में समझती है, वो सबसे लास्ट में नहीं होता, बल्कि दुनिया के 1% एक्सेप्शनल लोगों में होता है। और इसी वजह से उसको लाइफ में वो सब मिल जाता है जो उन 99% लोगों के पास नहीं होता। जिस टारगेट को पाने के लिए 99% लोग ख्वाब देखा करते हैं, उसी टारगेट को वो 1% लोग हासिल कर लेते हैं जिन्होंने अपने 99% सुखों का त्याग किया होता है। 1% तो कोई भी नहीं होता, लेकिन परफेक्ट बनने का इरादा 100% होना चाहिए। और कुछ लोग उन 1% के भी 1% होते हैं, लाखों में एक होते हैं, करोड़ों में एक होते हैं, पूरी दुनिया में गिने चुने लोग होते हैं, लेकिन उनकी शुरुआत है ना, वो उसी लिस्ट से होती है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। जिंदगी में सब कुछ छोड़ने की हिम्मत कर लेना, लेकिन मेरे दोस्त हिम्मत मत छोड़ना। जिंदगी में किसी भी हार को गले लगा लेना, पर कभी भी हिम्मत मत हारना। अगर आपको दुनिया के 1% लोगों में आना है, तो उस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा जिसके आपके आसपास के 99% लोग फंसे हुए हैं। वह 99% लोग यही सोचते हैं कि जो काम आप कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कहता हूँ फर्क पड़ता है। जो काम आप करते हैं उस काम से बहुत फर्क पड़ता है। जो पत्थर नदी में गिरता है ना, वो एक महीने में चिकना नहीं होता, कई साल लग जाते हैं उसको चिकना होने में। लेकिन आप तो इंसान हो, इंसान में वो सक्सेस की चिकनाहट उसी दिन से आने लग जाती है जिस दिन वो उन हार मानने वाले लोगों की लिस्ट में सबसे नीचे आता है। पूरी शिद्दत से आप मेहनत करते हैं तो आप किसी भी चीज को पा सकते हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे हम हासिल नहीं कर सकते। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हम सभी में से होते हैं। हम लोगों में से ही कोई ना कोई इंसान जो वो सक्सेसफुल बनता है, क्योंकि वो सक्सेसफुल तब बनता है जब उसके लिए वो मेहनत करता है, और मेहनत भी वो इतनी करता है कि उसकी मेहनत लोगों को वो तब दिखती है जब वो सक्सेसफुल बन जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम मेहनत करना ही नहीं चाहते। हम ये सोचते हैं कि बनी बनाई रोटियां हमें मिल जाएं, पर रोटियां बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करोगे तो आप सक्सेसफुल भी बन जाओगे। तो दोस्तों, आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रही होगी, और अगर इस वीडियो से कोई भी वैल्यू ऐड हुई हो आपकी लाइफ में, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।